नमस्कार, उम्मीदों के ओलंपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये पेरिस ओलंपिक वाकई भारत के लिए एक उम्मीदों का ओलंपिक है। कुछ उम्मीदें ऐसी जो परवान चढ़ी और कुछ ना चढ़ पाई, कुछ चढ़ी लेकिन उतनी ना चढ़ पाई जितनी चढ़नी थी। मतलब वो कहते ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मगर कम निकले। तो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा बहुत कुछ था दांव पर, लेकिन मज़ा आ रहा है इस ओलंपिक्स में। भारत के हिस्से अच्छी सफलताएं आई हैं, कुछ सफलताएं आते आते रह गई, लेकिन उम्मीद जगा गई कि भाई जब यहां तक आ सकते हैं तो इसके ऊपर भी जाया जा सकता है। कुछ एक जगह लगा कि और बेहतर करते और बड़ा मेडल लाते, पर जो आया वो भी बड़ा आया क्योंकि मंच ही इतना बड़ा है। तो आज इस उम्मीदों के ओलंपिक्स पे, जो कि अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक बार फिर से चर्चा करेंगे, थोड़े अच्छे पलों को याद करेंगे, कहाँ चूके वो देखेंगे और आगे कहाँ जा सकते हैं वो भी बात करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे खास मेहमान, वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में आज जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सौमित्र बोस साहब हैं जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, और सौरभ दुग्गल साहब भी जुड़ेंगे जो एक और खेल जगत के बड़े पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मलय सर, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछले नतीजों के बाद दो बड़े नतीजे आ गए। हॉकी में ब्रॉन्ज आ गया और जेवलिन में सिल्वर आ गया। अब ये थोड़ा ट्रिकी सवाल होगा कि क्या आना चाहिए था, कहाँ निराशा हुई, कहाँ आनंद, दोनों में बहुत आया। चलिए शुरुआत हम हॉकी से कर लेते हैं क्योंकि वहाँ टीम बड़ी है। 52 साल बाद ऐसा मौका लगा है कि बैक टू बैक दो मेडल आए। उम्मीद तो हम करते कि हम गोल्ड ले आते, लेकिन जिस तरह का कल का मैच हुआ और जो खुशी देखने वाले को मिली और जीत के बाद टीम को मिली, लगा जैसे गोल्ड ही आ गया। बिल्कुल, देखिए, जब आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं ओलंपिक्स में, जो खेलों का महाकुंभ है, और वहां पहुंचने के बाद पदक, कौन सा पदक का रंग क्या होगा, इसके बारे में पूर्वानुमान बहुत कठिन होता है। इसलिए कि हर टीम लगभग एक स्तर की होती है, और वहां जो आपकी स्ट्रैटेजी उस क्षण, उस मोमेंट, उस मैच में होती है, वो ये डिटरमिन करती है कि आपको पदक मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। देखिए, हॉकी का पूरा रंग बदल चुका है। हॉकी जो आक्रामक नया रुख अपनाया है, जो हॉकी के मैदान में जो अपनाने को कहा जाता है, दो चीजें हैं। पेनल्टी कॉर्नर की कोशिश कीजिए और पेनल्टी कॉर्नर प्रतिपक्षी को लेने से रोकिए, और एक में अटैक है और दूसरे में डिफेंस है। तो दोनों में टीम कौन सा अच्छा करेगी नहीं करेगी, अगर थोड़ा पीछे चलें तो ब्रिटेन के खिलाफ जब मैच हुआ और अमित रोहिदास को बहुत ही एक क्वेश्चनेबल तरीके से बाहर किया गया, उसके बाद जब भारत ने जो खेल का प्रदर्शन किया, जिस तरह से मजबूत दीवार बनकर खड़ी हुई वो टीम 10 लड़कों की, और फिर जब कल आपने देखा जिस तरह से अंतिम क्षणों में गोल बचाया, तो इस तरह से भारत की टीम बहुत अच्छा कर रही थी। और मुझे नहीं लगता कि अफसोस तो हुआ क्योंकि वो स्वर्ण सोच कर गए थे, लेकिन ये कांस्य पदक भी कुछ अफसोस की बात नहीं है इसमें। ये बहुत भारत आने वाले समय के लिए, भारत के भविष्य के लिए, हॉकी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जी सौमित्र जी, तो जो बात नीरव जी कह रहे हैं उससे मुझे मतलब एक कनेक्शन महसूस हो रहा है कि एक हमने बीच में इतने सालों सूखा देखा, हॉकी में कोई मेडल नहीं है, कोई इंटरनेशनल बड़ी चैंपियनशिप, लेकिन दो ओलंपिक्स में बैक टू बैक, भले ही ब्रॉन्ज सही, लेकिन वो जगह बनाना पोडियम पे, वो टॉप थ्री में आना, क्या ये हमारी हॉकी के लिए एक बड़ा रिवाइवल है? डेफिनेटली है, क्योंकि कल मैच के बाद हम लोग जब श्रीजेश से बात कर रहे थे, कल वैसे श्रीजेश का फाइनल मैच था, फेयरवेल मैच था, उसने एक चीज कहा कि जो पहला जो टोक्यो में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है हमारा हिस्ट्री में, हॉकी हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा जो जनरेशन है, जनरेशन हॉकी प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसमें देखिए मॉस्को में हमें लास्ट गोल्ड मेडल, मॉस्को के बाद अभी कितना साल हो गया, 20 और 24, 44 ईयर्स। श्रीजेश का एज है 36, तो उसने बोला हमारा जो जनरेशन है हमने कभी मेडल महसूस किया ही नहीं, और हमने दो ओलंपिक्स में दो मेडल हासिल किया है। मान लीजिए कि ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, तो ये बोल रहे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हॉकी लवर्स, हॉकी प्लेयर्स के लिए
ये एक इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन है और ये गेम को आगे लेके जाएगा। ये खास करके ये कहना है सिजेश का, और ये आपको मानना पड़ेगा कि सिजेश ये फोर्थ ओलंपिक्स के लिए बात करते हैं। अगर वो ऐसा चीज बोल रहे हैं कि ये मेडल बैक टू बैक जो मेडल है, खास करके ओलंपिक्स जो हमने टोक्यो मेडल जीता और ये जो हमने इस बार जीता है, 100% हमारा रिकॉर्ड है गोल्ड मेडल जीतने, ये हमारा जेनरेशन को आगे लेके जाए, ये कहना है सिजेश का। और मोर इम्पोर्टेंटली ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया का जो कोच है क्रेग फुल्टन, उसने बोला था कि हमने जो रिंजर आए हैं हम वी केम एज अंडरडॉग्स, हम फेवरेट्स नहीं थे कि वो हम टॉप फोर में भी नहीं पहुँचेंगे, ये हमारा बातचीत चल रहा, हम अंडरडॉग्स, और उसके बावजूद कि हमने गोल्ड मेडल फिनिश किया, खास करके जैसे मलय ने कहा है कि ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच को जैसे हमने निकाला With 10 people, 10 आदमी, 45 मिनट के लिए, ये होता नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट था, और खास करके ये जो मेडल है आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा चीज है, और देखिए नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेट करेगा। जी, तो सौरभ साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ साहब, क्या अगले ओलंपिक्स में गोल्ड की उम्मीद की जाए इंडियन हॉकी टीम से? वैसे तो इस बार भी गोल्ड से ज्यादा दूर नहीं रहे जिस तरह से खेले, पर ठीक है, एक दिन होता है, उस दिन मैच होता है, जर्मनी से आप बिल्कुल आखिरी समय में गोल कंसीव कर गए और फिर नहीं उतार पाए, उस दिन उन्होंने बेहतर हॉकी खेली, लेकिन ये टीम कहीं से कम नहीं लगी। क्या आगे अब इसमें सृजेश जरूर नहीं रहेंगे लेकिन बाकी युवा टीम है, हम अगले ओलंपिक्स में उम्मीद करें? डेफिनेटली सर, क्योंकि अब हम जो टॉप फोर पोजीशन में आए हैं, इसमें अगर आप देखें तो तीन जो है यूरोपियन नेशंस थे और एशियन नेशन में अकेला इंडिया ही था। और अगर इससे हम थोड़ा सा अगर पहले जाएं, जब 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया क्वार्टर फाइनलिस्ट था, उससे आगे नहीं बढ़ पाया था, और टोक्यो में इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल था। और उसके बाद जब एक इमीडिएटली वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें भी इंडिया क्वार्टर फाइनल को आगे नहीं बढ़ पाया था। तो कहीं ना कहीं लोगों की शायद ये बात थी कि जो टोक्यो का मेडल है वो कहीं बाय चांस आ गया, या उसमें लक कुछ ज्यादा फेवरेबल था इंडिया का। लेकिन अब जो बैक टू बैक मेडल आए हैं तो उसमें प्रूफ किया है कि हम जो है टॉप टीम्स के अंदर आते हैं। और आप ये देखिए सर, ये लगभग 52 ईयर्स के बाद बैक टू बैक मेडल जो है आया है, क्योंकि इससे पहले 1968 और 72 में बैक टू बैक मेडल थे, या 1928 से जब इंडिया ने डेब्यू किया तो 72 तक लगातार मेडल आते रहे। और जैसे सुमित्रा सर ने भी कहा कि बीच में एक बिल्कुल ड्राई पीरियड था कि लोगों को हॉकी का मेडल का ही इंतजार रहता था कि हम हॉकी में पावर हाउस रहे हैं और अब हमारा मेडल नहीं आ रहा है। तो अब जो ये दो बैक टू बैक मेडल आए हैं, इसके बाद जो अब नेक्स्ट ओलंपिक्स है 2028 की, तो उम्मीद तो इसमें भी जो टीम है वो गोल्ड के लिए ही करके आई थी, बट समहाउ फाइनल में नहीं पहुंच पाई। लेकिन ब्रॉन्ज भी किसी लेवल पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो परफॉर्मेंस कम रही है, या इट्स अ सेटिस्फैक्टरी थिंग। और आगे जो नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि पहला टारगेट होता था कि हमें हॉकी में मेडल लेके आना है, अब हम मेडल ला रहे हैं तो अब बात है कि हमें ब्रॉन्ज से ऊपर जाना है, का रंग बदलना है। बिल्कुल, तो एक कल कमेंट्री सुन रहे थे तब ये भी सुनने में आया कि शायद ये अब तक जो इतिहास भारत का, जब से मेडल ओलंपिक्स में लेने शुरू किए 13 मेडल हो गए, शायद वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। बहरहाल मले साहब, एक और चीज जो कल ही घटी, अब वो मैं कैसे उसको बयां करूं कि उसमें कहने के लिए तो भारत के नाम सिल्वर आया है और पहला सिल्वर, और उससे हम टैली में ऊपर भी गए, लेकिन उम्मीद तो गोल्ड की थी। नीरज चोपड़ा साहब का वो थ्रो जो 90 पार नहीं कर पाया, लेकिन नदीम जो कि पाकिस्तान से फेंक रहे थे, उन्होंने इतना दूर फेंक दिया कि शायद वो पता नहीं उसको कवर कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन एक मिक्स सा इमोशन है, समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे बयां करें। सिल्वर तो है लेकिन मन में जैसे टीज रह गई। टीज हटा दीजिए, निकाल दीजिए टीज को, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो कल भाला फेंका, मतलब आज सुबह भारत के हिसाब से, ये मत भूलिए कि बड़े चोटिल रहे पिछले दिनों, वो इंजरी को ओवरकम करने की कोशिश करते रहे हैं, और कल भी वो 100% फिट नहीं थे। और ये बात उन्होंने मेडल जीतने के बाद जब उनसे लोगों ने पूछा, तब उन्होंने इस बात को रिवील किया, इस बात को बताया कि मैं 100% फिट नहीं था।
100% फिट नहीं रहने के बावजूद क्वालिफाइंग में पहले अटेम्प्ट में ही इतना जबरदस्त प्रदर्शन और फिर फाइनल में 90 के आसपास पहुंच जाना, 89.6 के आसपास पहुंच कर, मतलब 90 के आसपास पहुंच जाना, ये बड़ी बात होती है। जहां तक पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर की बात है, जो नीरज के दोस्त भी हैं एक तरह से, उन्होंने तो अभूतपूर्व काम किया, देखिए इसमें कोई शक नहीं, दो दो बार 90 पार, ये तो बहुत ही कठिन काम था और उन्होंने जिस जज्बे का परिचय दिया, मेरे ख्याल से कल नीरज के लिए भी जो परिस्थितियां वहां थी ना, जब जैवलिन थ्रो होता है, मैं तो 92 से ओलंपिक्स देख रहा हूँ, कर रहा हूँ कवर बार्सिलोना से, तो जब होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हवा, बारिश, मौसम, दुनिया जहान, हो हल्ला, बगल में दूसरा कोई टूर्नामेंट चल रहा हो तो एकाग्रता भंग होती है। कल आइडियल कंडीशंस थे जैवलिन थ्रो के लिए, उन आइडियल कंडीशंस में पाकिस्तानी एथलीट ने जो किया है, और उसके बाद नीरज चोपड़ा ने पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद, जिसका ज्ञान मुझे नहीं था, ये मैंने उन्हीं के मुंह से सुना बाद में, और फिर लोगों ने इसको बताया भी मुझे, और लोगों ने भी बताया कि बात सही है कि वो 100% फिट नहीं थे। तो इसलिए भले ही रंग बदल गया हो, सुनहरे से चांदनी हो गया हो, लेकिन उस खिलाड़ी में भी बहुत दम है, और उनकी अगर उम्र देखें तो कम से कम 2 ओलंपिक में तो हिस्सा ले ही सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। जी हाँ, यही बातचीत हो रही है कि नीरज चोपड़ा जिस लेवल के एथलीट हैं, जिस लेवल के खिलाड़ी हैं, अभी हो सकता है कि आने वाले 2 ओलंपिक्स में और कमाल करते हुए नजर आए। सौमित्र साहब, अगर जैवलिन को थोड़ा नज़दीक से देखें तो जब क्वालिफाइंग राउंड हुए थे तो नीरज उसमें नंबर 1 थे, और उसके बाद तो फिर कल नदीम साहब ने जो फेंक दिया तो वो हम सब चर्चा कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही कि वो मतलब बिल्कुल थोड़ा अजेय वाली कैटेगरी में चला गया था, ओलंपिक रिकॉर्ड्स बन गया, तो क्या जैसे जब क्वालिफाइंग राउंड थे तो वो पीछे थे नीरज से, अब उसमें 3 मीटर जोड़ देना या उतना ऊपर निकल जाना, ये कितनी संभावनाएं रहती हैं इस चीज़ की? वर्ल्ड रिकॉर्ड जितना मुझे पता है शायद 95 पर है, उन्हें उतनी दूर भी भाला गया है, लेकिन आप अपने प्रदर्शन को एकदम इतना ऊपर उठा दें, ये इज इट पॉसिबल दैट वे? क्या हुआ होगा कल वहां पे? देखिए, कल एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब नीरज क्वालिफाई की थी फर्स्ट थ्रो में, उसने वो सीजन बेस्ट थ्रो था, उसने हमने जब उनके बाद हमें वो मिले तो उसने बोला कि अभी तक ओलंपिक्स खत्म नहीं हुआ और आप लोग ऐसा ना सोचें कि हमने ऐसा फेंक दिया तो हमको गोल पक्का है, ये क्लियरली बोला था वो, तो हमें तो कल रात को देखने को मिल गया। आप देखिए, नीरज का 6 अटेम्प्ट में सिर्फ 2nd अटेम्प्ट में उसने जो फेंका है उसमें सिल्वर मेडल आया, 5 फाउल थ्रोस थे। यहाँ के नदीम का भी स्टार्ट उतना खास पहला वाला जो था वो सही नहीं था, वो फाउल थ्रो था, मगर उसका जो 2nd थ्रो किया उसमें पूरा कॉम्पिटिशन को खत्म कर दिया। तो उसके बाद, और जैसे वाले ने कहा कल, उसने बोला कि नीरज ने बोला कि जो मैं फेंक रहा था वो आई वॉज 30-40% फिट, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं कभी भी फेंकता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा चोक 60-70% का ले लेता है, कि मेरा पूरा अटेंशन 60-70%, मतलब 60-70% अगर इसका ध्यान चोट में है तो सिर्फ बाकी 30-40% से अगर ये थ्रो वो कर सकता है तो वो अगला दिन, उसने बोला अगर शरीर फिटनेस उन पर साथ दिया तो वो 90 तक कर सकता है। तो और ये भी उसने कहा कि माई बेस्ट इज येट टू कम, बेस्ट थ्रो अभी तक आया नहीं, तो इसी उम्मीद से उसने कल देखा था। और जैसे देखिए कि जैवलिन का एक ही थ्रो है जो अगर वो 90 क्रॉस कर लिया पूरा ऑपोजिशन को कितना प्रेशर में आता है, और ये जो आपने जो फील्ड देखा है ये यहाँ पे एटलीस्ट 3 ऐसे जैवलिन थ्रोअर्स है जो 90 से ऊपर फेंका है, और इस साल जिस लड़का ने जो 90 से 1st% जो सीजन में 90 से ज्यादा थे कि 19 साल का मैक्स ट्रेनिंग करके जर्मनी का लड़का था, उसने तो क्वालिफाई नहीं किया। तो जैवलिन का ऐसा उतार चढ़ाव होता है और ऑन द डे परफॉर्मेंस मैटर करता है, ऑन द डे परफॉर्मेंस। वो देखिए नदीम का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रो था वो खुद ने सोचा कि उतने सब देख पाएंगे, ताकि उसका रिएक्शन आप देखे थे
टेलीविजन में उसका बार बार उसका रिएक्शन दिखा रहा था, हम तो लाइव देख रहे थे स्टेट डिफेंस में, वो खुद नहीं सोच पाया था कि वो कर पाए। अगर उसने बोला कि हाँ इंशाल्लाह आज मेरा दिन था, उसने आप फेंक दिया। और देखिए उनका इंस्पिरेशन रहा है नीरज ने, मगर वो फेंक नहीं पाया, मगर वो भी अपना जो उनका जो परफॉर्मेंस था वो सीजन बेस्ट था। कि हम ऐसे नहीं देख सकते कि गोल्ड हम पे गारंटीड है, गोल्ड कभी गारंटीड नहीं होता, मेडल भी कभी गारंटीड नहीं होता, जैसे हमने हॉकी में देखा है। मगर ये चीज अच्छा है कि अगर, और एक चीज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीरज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसने बोला कि नॉट, ये सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स में नहीं, 2018 से वो एक चोटिल है, वो इंजरी लेके खेल रहा है। और उसके उनका एग्जैक्ट लैंग्वेज था, हम तो खींचते हैं, हम तो सोचते हैं कि हम खींच के हम फेंक ही देंगे। वो जो हरियाणवी जो जाट वाला जो उसका जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी इज जस्ट 40% व्हाट इज केपेबल ऑफ। अगर 60-70% वो इंजरी प्रोन है तो 40% इज इक्वल टू 89, तो बाकी आप मान लीजिए कि 60% वो जो और भी 30% इंप्रूवमेंट करेंगे उसके शरीर में शक्ति आएंगे तो 90 तो इजी फेंकेंगे। तो देखिए अगर वो फिट रहेंगे लॉस एंजलिस ओलंपिक्स तक मे बी हाँ, मतलब नीरज को देख के एक बात लगती है कि उनकी जो भी थ्रो है या उनका जो भी करिश्मा है वो ऑल ऑफ सडन नहीं कि किसी एक दिन का है, ये बात अलग रह गई कि कल, और कल इंजर्ड होते हुए भी और 5 फाउल करके सिर्फ एक थ्रो में वो सिल्वर निकाल ले गए, तो ये कहानी बताती है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कोई दिन पे निर्भर करने वाले खिलाड़ी नहीं। पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस सा है कि आगे जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आएंगी या इनफैक्ट अगले ओलंपिक्स आएंगे नीरज आसानी से गोल्ड ले आएंगे। खैर ये एक बात रही, छोटा ब्रेक लेता हूँ यहाँ, लेकिन और बहुत कुछ घटा, एक गोल्ड मेडल या एक और मेडल तो कुश्ती वाला, मतलब क्या कहें, वो भी एक बड़ा हार्ट ब्रेक वाला ओलंपिक हो गया इंडिया के लिए। कि अभी भी हालांकि मामला वो कोर्ट में, हरीश सालवे साहब उसके लिए दलील पेश कर रहे हैं, क्या वो मेडल कुश्ती का वापस आएगा एक बड़ा सवाल होगा। और इस ओलंपिक में क्या कुछ और उम्मीदें भारत के लिए बची हैं, कौन कौन से इवेंट हैं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, उम्मीदों के ओलंपिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस ओलंपिक में अभी भी उम्मीदें बरकरार है। अब बात करेंगे हम विनेश फोगाट की, जिनका मामला खत्म नहीं हुआ है और बाकायदा भारत के जाने माने वकील हरीश सालवे उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो सौरभ साहब, कितनी उम्मीद है कि इसमें से कुछ नतीजा निकल आएगा, क्या हम उम्मीद लगाएं कि विनेश को मेडल मिल सकता है अभी भी? अगर देश के सेंटीमेंट्स की बात करें तो हर जना चाहता है कि विनेश को मेडल मिले, बट ये जो है ये अब कोर्ट में जा चुका है तो इसमें लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से ही ये चीज चलेगी। तो मेरा पर्सनली, मैं इस पे कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करा है और हम लोगों के पास उतनी एज अ लीगल एक्सपर्टीज भी नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर कहीं पे भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन पाती है तो पूरा देश चाहेगा कि विनेश को मेडल मिले। जी, तो मलय साहब कुछ आइडिया आपको, इसका कभी इस तरह का कोई वाकया पहले घटा हो, कुछ निर्णय निकला हो? जी, इस बार भी घटा है, इस बार भी इटली के एक एथलीट के साथ ऐसा हुआ है। मगर दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि एक नियम, जो स्थापित नियम है, उस नियम को अगर आप देखें तो उस नियम के अनुसार से विनेश के लिए पदक मांगने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दुनिया भर के रेसलर्स ने, जो बेस्ट रेसलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, उन्होंने कहा है कि ये ज्यादती इसलिए है क्योंकि जिस दिन उनका मुकाबला हुआ, उनके 3 मुकाबले हुए, उस दिन उनका वेट 50 किलो से 100 ग्राम कम था। तो उस दिन के वजन के हिसाब से अगर उन्होंने विजय हासिल की तो उसको आप कैसे नकार सकते हैं। मगर अगर आप जो रिवाइज रूल्स ऑफ रेसलिंग इन ओलंपिक्स है उसको अगर आप देखेंगे, ख्याल से 2017 में वो रिवाइज हुए थे, तो उनको अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसा लगेगा आपको कि ये मांग परहैप्स, ऐसा लगता है मुझे, आसानी से न मानी जाए, आगे कोई परिवर्तन हो सकता है आने वाले दिनों में। मगर हरीश सालवे साहब तो आपको पता है कि वो
हो सकता है कि कन्विंस कर दें पैनल को ऐसा से कम इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उस दिन तक तो ठीक थी लड़की, लेकिन जो वेइंग इन का पूरा एक फॉर्मूला है, जो एक साइकिल, उसमें ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कि उस दिन कह देती विनेश कि मेरी तबीयत खराब है, तब भी उसको पदक नहीं मिलता, तब भी दूसरे दिन जिस दिन उसकी तबीयत खराब बताती, उसके अगले दिन उसकी जांच की जाती, उसको तौला जाता, वजन लिया जाता, और उस दिन भी अगर नहीं ठीक पाया जाता तो भी उसको पदक से दूर रहना पड़ता। ये बात तो है, मगर बिपिन लांत में मुझे बस एक सेंटेंस और जोड़ना है, पूरा देश अफसोस कर रहा है, पूरा देश इस पर बहस कर रहा है, तरह तरह की राजनीतिक बहसें भी हो रही हैं, सब हो रहा है, उन सब को दरकिनार करिए, सिर्फ ये सोचिए, और इस प्रश्न का उत्तर हम सब कोशिश कर सकते हैं जानने की, वो क्या मजबूरियां थी, क्यों विनेश को 50 किलोग्राम कैटेगरी में कुश्ती लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद ये चर्चा थमे भी ना, आगे भी जाए, राजनीति की बात छोड़ देते हैं, लेकिन ये सवाल उठता रहेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बहरहाल चूंकि अब बस अंतिम क्षण में हूँ कार्यक्रम के, सौमित्र जी अब और कहाँ कहाँ पदक की उम्मीदें बाकी हैं, क्या इवेंट्स रह गए हैं जहाँ भारत के कुछ दावे हैं? आज शाम को देखिए यहाँ पेरिस टाइम का 6:15 बजे अमन का ब्रोंज मेडल मैच है, वहीं पे एक चांस है कि हम ब्रोंज मेडल जीत सकते हैं, और सिर्फ कुश्ती से उम्मीद है, और हमारे उम्मीद तो गोल्फ में भी थी, उसमें देखिए आदित्य अशोक और दीक्षा दागत खेल रहे हैं, मगर जो करंट पोजीशन है मुझे नहीं लग रहा है कि वो पहुंच पाएंगे मेडल राउंड तक, तो अमन इज द लास्ट होप, और शायद कुश्ती में अगर कल कुछ आ जाए तो आ जाए, फिलहाल हमारे 5 मेडल हैं, 4 ब्रोंज है, 1 सिल्वर है, और अमन का आज अगर ब्रोंज मेडल जीतेंगे तो 6, और मैक्सिमम अगर हम कल कुछ जीत सकते हैं तो हम टोक्यो 7 तक इक्वल कर सकते हैं, उम्मीद तो थी 10 की, अब देखिए अगर फिलहाल तो 5 है, शाम तक ये बाय द टाइम इंडियन टाइम आप क्लोज करिएगा तो शायद ये 5-6 हो सकता है, मुझे नहीं लगता वी विल क्रॉस 7, और 10 का उम्मीद तो शायद लॉस एंजिल्स तक वेट करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, उम्मीदों का ओलंपिक हमने इसको नाम ही दिया है, तो उम्मीदें तो रहेंगी, और हम तो चाहेंगे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक लाए, और बात जैसा नीरव जी भी कहते हैं पदक की नहीं है, लेकिन वो फीलिंग आती है कि हमारे देश से प्रदर्शन बेहतर हुआ है, पदकों की संख्या से हम उसकी तुलना फिलहाल तो नहीं करें तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही महानुभावों का, और उम्मीदों का ओलंपिक यूं ही जारी रहेगा, अब जब तक ओलंपिक जारी है उम्मीदें भी बरकरार हैं, और एक बार फिर जब ये समाप्त हो जाएगा तो मिलकर बैठेंगे, तब फिर समीक्षा करेंगे कि आगे और क्या करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आप सभी दर्शकों का भी उम्मीदों के इस ओलंपिक में हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए। उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, और उम्मीदें लगा के रखिए क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। नमस्कार।